अस्सलामु अलैकुम, मैं ग़ुलाम रसूल आज फिर आया हूँ एक नया वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा मिनी पिज़्ज़ा हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, मैं आज आपको पूरा बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कॉमेंट्स भी ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले एक बॉल ले लेते हैं, उसमें ऐड कर लेते हैं 500 ग्राम फ्लावर, हमारा मैदा है 500 ग्राम, उसे ऐड कर लेते हैं। उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट पिंच। अब ऐड कर लेते हैं 2 स्पून शुगर। उसमें ऐड करेंगे 2 स्पून मिल्क पाउडर, आप चाहें तो नॉर्मल मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ ऐड कर लेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर कर्डामम, 1 स्पून ऐड करेंगे ड्राई ईस्ट, साथ में ऐड कर लेते हैं 1/2 स्पून बेकिंग का पाउडर, उसमें ऐड करेंगे 3 स्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल, कॉर्न ऑयल। अब इसमें वाटर ऐड करके इसे सॉफ्ट डो तैयार करना है हमें। अब अच्छे से इसे मिलाकर हमें एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेना है पिज़्ज़ा के लिए। डो हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा का, इसे अच्छे से हमें मिक्स करना होता है पहले। अब देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत बढ़िया एकदम सॉफ्ट हो जाए ताकि और अच्छे से मिल जाए। अब इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए हम छोड़ देते हैं कवर करके, 1 घंटे बाद मैं आपको दिखाऊँगा। अब हमारा 1 घंटा हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा डो कैसा रेडी हुआ है। माशाल्लाह, ये देखिए कितना फूल गया है ये, और कितना अच्छा सॉफ्ट भी हुआ है। तो इस तरीके से हमें डो को रेडी कर लेना होता है पहले। अब इसे हमें फिर से मिला लेना है, उसके बाद इसे कट कर लेना है 2 भाग में, इस बड़े बड़े डो में, ठीक है ना। बड़े डो में करने के बाद इसे फ्लैट करेंगे हम बेलन से अपने, थोड़ा हमें ठीक रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें, थोड़ा मोटा ही रखना है, ठीक है ना। जब हो जाए अब इसे हमें कटर ले लेना है, उससे इसे हमें कट कर लेना है ताकि ये एक साइज का हमारा मिनी पिज़्ज़ा बने। इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। देखिए कट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ज़्यादा पतला नहीं है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, मीडियम में ही हमें इसे रखना है, देख लीजिए इस तरीके से। अब इसे एक ट्रे में ऐड कर लेते हैं बटर पेपर के साथ, उसमें ऐड कर लेते हैं पिज़्ज़ा सॉस, आप चाहें तो यहाँ पर टमाटो केचप या फिर टमाटो सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं, टमाटो पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर लेते हैं कैप्सिकम चॉप किया हुआ, मैंने यहाँ पर ही येलो एंड ग्रीन कैप्सिकम चॉप करके रखा है, उसे ऐड कर लेते हैं। साथ में ऐड कर लेते हैं स्लाइस ऑलिव, जो हमने यहाँ पर रखा है स्लाइस किया हुआ ऑलिव, उसे हम ऐड कर लेते हैं। अब इसमें हमें थोड़ा चेरी टमाटो ऐड करते हैं ताकि ये खाने में और भी मज़ेदार हो जाए, यहाँ चेरी टमाटो हम ऐड कर लेते हैं। साथ में ऐड कर लेते हैं स्लाइस ग्रेट किया हुआ हमारा मोजरेला चीज़ है, अब इसे हम बेक करेंगे 180 डिग्री पर 20 मिनट्स के लिए। ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है बेक, बहुत ही बढ़िया हमारा हुआ है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये हमारा रेडी हो चुका है पिज़्ज़ा, मिनी पिज़्ज़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कॉमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।